हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिक एरे के बारे में जानेंगे जानेंगे कि किस तरीके से इसको डिक्लेयर किया जाता है, किस तरीके से आप इनिशियलाइज़ कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ न्यूमेरिक एरे आप कह सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक एरे क्या होता है? न्यूमेरिक एरे जिसका इंडेक्स नंबर में होता है, यानी कि जिसका इंडेक्स आप न्यूमेरिक देते हैं उसे न्यूमेरिक एरे कहते हैं। आई होप कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था न्यूमेरिक एरे का, एसोसिएटिव एरे का और मल्टी डायमेंशनल एरे का। सो न्यूमेरिक एरे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं वो देख लेते हैं। सिंटेक्स इसका है, एरे नेम लिखना है। एरे नेम का मतलब वही वेरिएबल का जो नाम लिखते हैं, जिस रूल को फॉलो करते हुए आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं, बिल्कुल उन्हीं रूल्स का पालन करते हुए आप यहाँ एरे का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट दिया जाता है और उसका इंडेक्स नंबर लिखा जाता है। यहाँ मैंने 0 लिखा हुआ है इंडेक्स नंबर। इक्वल साइन देकर आप इस एरे में क्या स्टोर करना चाहते हैं वह लिखा जाता है, जो भी वैल्यू आपका होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि नेम इंडेक्स 0 है और इसमें मैंने स्टोर किया है किकी सोस। नम एरे का नाम है, सेम इंडेक्स है, हालांकि दोनों अलग अलग है, आप एक ही इंडेक्स में दो वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते हैं, आपको अलग अलग इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। अगर एरे का नाम सेम है तो यहाँ पर एरे का नाम अलग अलग है इसलिए आप सेम नंबर दे सकते हैं। सो नीचे वाला जो एग्जाम्पल है वह नम इंडेक्स 0 पर हम लोगों ने वैल्यू असाइन किया कितना, 25। सेम इसी चीज़ को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं जिसमें आप इंडेक्स नंबर नहीं देते हैं, सिर्फ एरे नेम लिखना है, देन स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, इसमें इंडेक्स नंबर नहीं दिया गया है। इक्वल साइन देकर आप इसमें जो स्टोर करना चाहते हैं आप उस वैल्यू को यहाँ लिखते हैं। एग्जांपल के तौर पर नेम स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी नंबर नहीं है, इक्वल साइन देकर मैंने गीकी सोज इसमें असाइन कर दिया। इसी तरीके से नम स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं दिया गया है, इक्वल साइन देकर जो भी वैल्यू असाइन करना है ये कर दिया गया। देखिए बाय डिफॉल्ट एरे में 0 इंडेक्स होता है, 0 इंडेक्स होता है। देखिए स्टेटमेंट को ठीक से समझिएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एरे स्टार्ट होता है इंडेक्स 0 से, स्टार्ट होता है 0 से, 0 नहीं होता, स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। सो जब भी आप एक पहला वेरी फर्स्ट एरे डिक्लेयर करेंगे इस तरीके से, यहाँ नाम आपने पहला लिखा, तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ क्या होगा, 0। इसी तरीके से एक और अगर नेम सेम एरे नेम के साथ एक और आप स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नहीं देते हैं तो ये 0, तो इसके नीचे वाला 1, उसके नीचे रहेगा तो 2, उसके बाद 3, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको ये दिखा दूंगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये सिंटेक्स होता है, इस सिंटेक्स को आपको याद रखना है अगर आप एरे डिक्लेयर करना चाहते हैं PHP में, तो ठीक है। क्या याद रखना है, बाय डिफॉल्ट एरे स्टार्ट होता है इंडेक्स नंबर 0 से, एक ये पॉइंट याद रखना है, और दूसरा आपको सिंटेक्स याद रखना है। और सिंटेक्स आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एक जिसमें आप इंडेक्स नंबर देंगे, एक जिसमें इंडेक्स नंबर नहीं भी दें तो भी आपका काम सेम करेगा। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप इस तरीके से, कि आपको मैंने बताया था कि एरे में हम लोग क्या करते हैं, कि एरे क्या होता है, एरे कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स होता है, तो एक आइटम तो नहीं होगा, कलेक्शन ऑफ आइटम होगा, तो सिर्फ राहुल क्या है, राहुल सिर्फ एक आइटम हुआ। लेकिन इस तरीके से आप एक से ज़्यादा आइटम स्टोर कर सकते हैं। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि एरे का नाम देखिए सेम है, यहाँ वेरिएबल का नाम या फिर एरे नाम जो भी कहिए आप इसको, एरे नेम सेम है लेकिन उसमें अलग अलग आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू उसके इंडेक्स नंबर में, ठीक है। यानी कि नेम 0 में राहुल जाएगा, नेम 1 में सोनम, नेम 2 में सुमित और नेम 3 में प्रीति। तो इसमें नेम वेरिएबल है कह सकते हैं या फिर एरे नेम है कह सकते हैं, जो कि सभी के लिए कॉमन है, लेकिन इसका इंडेक्स अलग अलग है और इसी इंडेक्स नंबर के थ्रू आप अलग अलग वैल्यू इसमें असाइन कर सकते हैं। इसमें अब आपको अलग अलग वेरिएबल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं कि स्टूडेंट है कौन कौन, स्टूडेंट है राहुल स्टूडेंट है, सोनम स्टूडेंट है, सुमित स्टूडेंट है और प्रीति स्टूडेंट है, जिनका आपने एक कॉमन वेरिएबल बनाया हुआ है जो कि है नेम नाम का, और इसमें सिर्फ आपने अलग अलग मेमोरी एलोकेशन किया हुआ है।
नेम 0 में राहुल, नेम 1 में सोनम, नेम 2 में सुमित और नेम 3 में प्रीति। सेम चीज़ को आप लिख सकते हैं इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से भी लिखते हैं तो अल्टीमेटली एरे जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये पहला वाला यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, देन दूसरा वाला 1, तीसरा वाला 2 और चौथा वाला 3। ठीक है, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ आपने नहीं भी लिखा है फिर भी ये यही है अल्टीमेटली, यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 0 है। और चूंकि सेम नेम का आपने यहाँ इस्तेमाल किया इसीलिए ये इसका ये सेकंड है, इसलिए यहाँ पर ये आपको 1 मिलेगा। ये थर्ड है, सेम नेम का थर्ड डिक्लेयर किया हुआ इसलिए आपको यहाँ 2 मिलेगा। ये फोर्थ है इसलिए आपको यहाँ 3 मिलेगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होगा। इतना सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो एक मैं यहाँ एरे नेम लिखता हूँ, जो कि मैंने लिखा नेम, और इसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, यहाँ हम लोग असाइन कर देंगे 0। असाइन मीन्स इसका इंडेक्स नंबर हम लोग दे रहे हैं 0। यहाँ आप लिख सकते हैं कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इसे स्क्रीन पर आउटपुट करना, यानी कि स्क्रीन पर आप देखना चाहते हैं अपने वेब ब्राउज़र में, तो किस तरीके से आप देखेंगे एरे को? वेरिएबल को तो देखना आसान है, मतलब वेरिएबल नेम सिर्फ लिखें और आप देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सिर्फ ये वेरिएबल हो और यहाँ अगर आप लिखते हैं, इसको हम लोग नम कर देते हैं क्योंकि नंबर दे रहे हैं तो नम कर देते हैं। ठीक है, नम, और इसको अगर 25 लिखते हैं, अगर आप इको करें मतलब देखना चाहें तो आप सिंपली करेंगे क्या, नम, और इस तरीके से सेव करके इसको अगर आप ब्राउज़र में, मैं ज़रा रन कर लेता हूँ सर्वर, देखिए सर्वर मेरा जो है वो रनिंग स्टेटस में है। ठीक है, तो सर्वर आपको ध्यान रखना है कि आपका सर्वर जो है वो रनिंग स्टेटस में होना चाहिए जब भी आप PHP का फाइल इस्तेमाल करते हैं, रन करते हैं। सो हम लोग रन करते हैं लोकल और PHP का फाइल, तो यहाँ आपको 25 दिखाई देता है। लेकिन जब आप एरे यूज़ करते हैं, जब ये एरे बन जाएगा इस तरीके से, जब ये एरे बन जाएगा तो हम लोग इसका कैसे आउटपुट देखेंगे? तो आपको करना ये है कि आपको ये पूरा यहाँ लिखना इंडेक्स नंबर के साथ, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इंडेक्स नंबर के साथ लिखिए, सेव कीजिए और इसको रिफ्रेश कर लीजिए तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एरे को एको करने का नियम है। अब अगर एरे ये यहाँ तक क्लियर हो गया कि एरे कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अब नेम की अगर देखें, नेम आप अगर आपको करना है तो आप सिंपली कीजिए क्या, यहाँ नेम लिख देते हैं, नहीं भी करते वो भी चलता, सिर्फ हम लोग नेम दे देते हैं, यानी कि एक स्ट्रिंग दे देते हैं जिसमें हम लिख देते हैं गीकी सोज मैंने लिख दिया। यहाँ हम लोगों को ये चेंज करना पड़ेगा, ये नेम हो गया। अब नेम सेव करते हैं और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो ये आपका गीकी सोज आ गया, हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको मैं फिर से नम में बदल रहा हूँ जिससे कि हम लोगों को थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 25 कर दिया मैंने, सेव करें, इसको फिर से वापस से यहाँ भी नम करना पड़ेगा। ओके, नम करते हैं, सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करके मैं आपको एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ, आपको आउटपुट 25 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरे डिक्लेयर कर सकते हैं और इस तरीके से आप एरे को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप एरे को इको कर सकते हैं। क्लियर है? सेम अगर आप यहाँ इंडेक्स नंबर अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ अपनी इंडेक्स नंबर नहीं लिखा, इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपका आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा, यानी कि वेब ब्राउज़र में दिखाई देगा। यहाँ आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा। बस ध्यान रखना ये है कि यहाँ जब आप एको करते हैं तो यहाँ आपको इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा। यहाँ अगर आप इंडेक्स नंबर नहीं लिखेंगे तो आपको मिलेगा एक एरर जो कि होगा फैटल एरर, कैन नॉट यूज़ दिस फॉर रीडिंग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप एरे को डिक्लेयर इनिशियलाइज करते वक्त भले ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर ना लिखें, लेकिन एको करते वक्त इसको आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स नंबर का वैल्यू आप रीड करना चाहते हैं। तो अभी आपने 0 दिया तो अभी ये एरर नहीं देगा, बल्कि आपको आउटपुट स्क्रीन पर जो चाहिए वो मिलेगा। थोड़ा सा एरे और एको का और कॉम्बिनेशन देखते हैं जिससे कि कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट के साथ प्रिंट करना है, तो टेक्स्ट के साथ प्रिंट करना है, कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे दिखाई दे ब्राउज़र में वैल्यू इज़ और एरे में जो भी स्टोर है। तो हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का आसानी से, डायरेक्ट सब कुछ डबल कोट के अंदर रखिए,
वैल्यू इज और आपको जैसे कि टेक्स्ट के तौर पर ये दिखाई देगा वैल्यू इज, और जो भी इसमें स्टोर होगा वो स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। तो सेव कर लेते हैं इसको और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ एरर आ रहा है, ठीक है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्शन। इस केस में जब आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ करते हैं तो यहाँ आपको स्पेस नहीं देना, ठीक है, ये स्पेस आप हटा के रखेंगे यहाँ से। इसको हम लोग हटाते हैं, इस स्पेस को, ये पूरा साथ में लगना चाहिए। इसको सेव करते हैं, बिकॉज ये डबल कोट आ गया था, डबल कोट उसको एक नहीं समझेगा, स्पेस देने के बाद वो अलग अलग समझेगा। हम लोगों ने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में ये देखा था कि वैल्यू अगर लिखा है आपने वेरिएबल तो वैल्यू इज आपको नहीं प्रॉपर स्पेस करना है, तो वही चीज़ यहाँ हम लोगों को उसी वजह से एरर यहाँ देखने को मिला। अभी अगर आप जैसे कि स्पेस आपने हटा दिया है और अभी अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको सही आउटपुट मिलेगा जो कि है वैल्यू इज। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का इस्तेमाल मत कीजिए, हम लोगों के पास एक और तरीका है, हम लोग कॉन्केट का इस्तेमाल करेंगे। वैल्यू इज और डॉट यहाँ लिख दीजिए और इसको सेव कर दीजिए, फिर इसको रिफ्रेश कीजिए तो आपको अभी भी सही आउटपुट मिलेगा, ठीक है। एक स्पेस चाहिए अगर इज और 25 के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो सिंपली आप यहाँ एक स्पेस दे दीजिए, इसको सेव कीजिए और इसको रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये इको का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अगर आप एरे लिखते हैं, एरे बनाते हैं, तो किस तरीके से आपको आउटपुट लेना है, ठीक है। एक नॉर्मल हम लोगों ने देखा जिसमें एको और एरे डाटा आप लिखते हैं, हम लोगों ने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी देखा और साथ में ये हम लोगों ने कॉन्केटनेशन का भी देखा। आप चाहें तो डॉट की जगह यानी कॉन्केट की जगह आप कॉमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमा लिखिए, सेव कीजिए और इसको रिफ्रेश कीजिए तो अभी भी आपको आउटपुट सही मिलेगा। इस केस में जब आप कॉमा या डॉट लिखते हैं तो यहाँ अगर आप स्पेस भी देते हैं तो भी आपको आउटपुट मिल जाएगा सही तरीके से, ठीक है। इसमें आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा। वो सिर्फ केस होता है कब, जब आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ करते हैं तब अभी भी आपको ये आउटपुट सही देगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अगर आपको कुछ फैसिलिटी चाहिए तो, जैसे मतलब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की आपको सुविधा चाहिए जिसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, बस डबल कोट्स के अंदर सबको रखना है, तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। किन बातों का, वो हम लोगों ने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में पढ़ा है। यहाँ तक क्लियर है? मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, बट PHP का कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप है और आपको डिटेल में जानना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। अभी हम लोग एक से ज़्यादा वैल्यू देखते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक से ज़्यादा देखते हैं, जैसे कि पहला जो हमारा है वो ज़ीरो इंडेक्स पर स्टोर है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ स्टोर किया है क्या, राहुल, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके दो तीन बार पेस्ट करके चेंज कर देता हूँ जिससे मुझे बार बार लिखना पड़े, बिकॉज एरे है तो नेम तो सेम होगा सबका, बस हम लोग क्या चेंज करेंगे इसका इंडेक्स नंबर। पहला जो है वो ज़ीरो पर है तो दूसरा हमारा होगा 1 पर, तीसरा हमारा होगा 2 पर और चौथा हमारा होगा 3 पर, और सबका हम लोग नेम चेंज कर देते हैं। नेम क्या कहूँ, सोनम, देन इसका नाम रख देते हैं सुमित, देन इसका नाम रख देते हैं हम लोग प्रीति, ठीक है। इसको सेव कर लिया मैंने, हालांकि अभी सेव करने से फ़ायदा नहीं है। ये क्या हुआ, ये हम लोगों ने नेम जो कि एरे नाम एक ही है बट इसका इंडेक्स अलग अलग है, जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग वैल्यू यानी कि आइटम्स का कलेक्शन स्टोर कर सकते हैं। देखिए इतना सारा आइटम का कलेक्शन यानी कि राहुल, सुमित, सोनम, प्रीति, सब ये सारी चीज़ें स्टोर हैं किस में, नेम में। नाम तो एक ही है, नेम बस इनका इंडेक्स अलग अलग है। कह सकते हैं कि एक ही घर में अलग अलग पार्ट बांट दिया गया है, जहाँ राहुल एक उसी घर में रहेगा बट राहुल अपने कमरे में रहेगा, सोनम अपने कमरे में, सुमित अपने कमरे में और प्रीति अपने कमरे में। यही है एरे, घर तो एक ही होगा बट सब अपने अपने कमरे में रहेंगे। और कमरा क्या है, राहुल का कमरा नंबर है 0 और सोनम का कमरा नंबर है 1, सुमित का कमरा नंबर है 2 और प्रीति को कमरा नंबर दिया गया है 3। तो ये होता है। अभी अगर आपको प्रीति के रूम में यानी कि प्रीति को एक्सेस करना है, प्रीति तक पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे, एको करेंगे इसका कमरा नंबर, लेकिन आपको घर के नाम के साथ लिखना पड़ेगा, इस घर के कमरा नंबर 3 में, तो आप प्रीति को आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ देख पाएंगे। देखिए प्रीति दिखाई देगी। उसी तरीके से अगर आप कमरा नंबर 2 में जाते हैं तो आपको इसको सेव करते हैं तो आपको सुमित को आप एक्सेस कर पाएंगे। तो ये पूरा इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। अगर आप सबको एक्सेस करना चाहते हैं तो सबका एको कर लीजिए,
ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। अभी अगर आप यहाँ इंडेक्स नंबर नहीं भी लिखते हैं, मान लीजिए कि मैंने यहाँ नहीं लिखा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली अगर आप यहाँ इंडेक्स नंबर लिखें या ना लिखें, उससे कोई फ़र्क यहाँ नहीं पड़ता है, बिकॉज एरे बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो से स्टार्ट होता है इसके इंडेक्स, और यहाँ आपने कुछ भी नहीं लिखा है लेकिन ये ज़ीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ठीक है, तो ऐसा ऑटोमेटिक यहाँ आ जाता है। तो अब जब भी आप इसको रन करेंगे, जैसे कि मैंने नेम वन वन किया, तो नेम वन में कौन है, ये ज़ीरो में राहुल है, वन में सोनम है, तो इसको सेव करते हैं और इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ सोनम दिखाई देगी, ठीक है। तो बस यही है अभी तक का कॉन्सेप्ट, ओके। और एक चीज़ कि यहाँ मैंने कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो अगर आप यहाँ कुछ भी नहीं लिखकर अगर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इस वक्त क्या होगा कि आपको एक फैटल एरर मिल जाएगा, कैन नॉट यूज़ एम्प्टी, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज नेम ये अगर आप लिखते हैं तो इसको कैसे पता चलेगा कि इसको प्रिंट करना है, इसको प्रिंट करना है, इसको प्रिंट करना है, इसको प्रिंट करना है, या तो किसी में भी नंबर नहीं लिखा आपने, इसी वजह से ये आपको फैटल एरर देता है, ठीक है। सो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो इस तरीके से आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन एक यहाँ बात सामने आती है कि एरे का जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें मैंने कहा था कि अगर 500 स्टूडेंट हो तो सभी का अलग अलग हमें करना पड़ेगा। यहाँ भी तो हमें अलग अलग करना पड़ रहा है, यानी कि अगर हम लोगों को 500 स्टूडेंट का नाम अगर स्टोर करना है तो हम लोगों को 500 बार इस तरीके का 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट 500 इस तरीके का लिखना पड़ेगा और सबका इस तरीके से असाइन करेंगे। फिर क्या फ़ायदा हुआ, हम लोग वेरिएबल ही नहीं ना लिख दें, वेरिएबल ही लिख देते हैं, उससे अच्छा ये इंडेक्स नंबर ये एरे का इतना लफड़ा लेने की क्या आवश्यकता। लेकिन इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है जिसे कहते हैं एरे फंक्शन। एरे फंक्शन में आप वन लाइन में इन सभी कोड को लिख सकते हैं, सिर्फ एक लाइन में। कैसे लिख सकते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।